राजस्थान में नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। आपको बता दें कि जहां एक ओर बीजेपी राजस्थान सरकार पर बिजली के दामों को बढ़ाने को लेकर निशाना साध रही है, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान सरकार के नेता संजय की जनता को कोई परेशानी नहीं होगी इस बात को भरोसा दिला रहे हैं। आपको बता दें कि साथ ही कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह ने केंद्र सरकार को लेकर क्या कुछ कहा, आप देखिए। ये राजस्थान की सरकार वर्तमान 2018 के चुनाव के अंदर जनता से इस बात का वादा किया था कि बिजली की दरों के अंदर एक पैसे की बढ़ोतरी भी हम नहीं करेंगे, लेकिन आज राजस्थान की जनता अपने आप से ठगा सा महसूस कर रही है। पिछले 4 सालों के अंदर एक बार नहीं अनेकों बार बिजली की दरों के अंदर वृद्धि करने का काम किया है, चाहे वो अतिरिक्त चार्ज के रूप में हो, चाहे फ्यूल चार्ज के रूप में हो, चाहे प्रतिभूति राशि के रूप में हो। और अब तो सरकार लेकिन एक अच्छा काम कर रही है, और अच्छा काम सरकार ये कर रही है कि बिजली के बिलों के ऊपर मुख्यमंत्री जी की फोटो भेज रही है, तो जनता ये समझ रही है कि बिजली की दरों की बढ़ोतरी करने वाला यही व्यक्ति है। तो आने वाले समय के अंदर ब्याज सहित जनता वसूल भी कर लेगी, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर मतदान की ताकत सबसे बड़ी होती है। तो मतदान का जब समय आएगा उस समय जनता इनको जवाब भी देगी। ओबीसी के मुद्दे पर लगातार बात हुई है, सदन में भी मामला उठा है, देखिए ओबीसी के विषय को लेकर काफ़ी युवा आक्रोश भी आंदोलित भी है, और उनकी मांग भी यह है कि इसके अंदर विसंगतियाँ हैं। भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहती है कि अगर विसंगतियाँ हैं तो सरकार को कानून के विशेषज्ञों से राय लेकर उन विसंगतियों को दूर करना को बिजली का बिल किसी भी सूरत के अंदर 5 साल नहीं बढ़ाया जाएगा, ये मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा, दूसरी बार भी कहा और तीसरी बार भी कहा, और आज बिजली के बिलों के अंदर जो छूट मिल रही है वो राजस्थान की जनता, राजस्थान की वो गरीब जनता अशोक गहलोत जी को धन्यवाद दे रही है। हजारों हजार की लाखों की संख्या के अंदर वो उपभोक्ता है जिनका जीरो बिल आ रहा है, और भी जो उससे ऊपर के जो हैं उनको छूट मिल रही है, ये राजस्थान की जनता को बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। राजस्थान की सरकार, राजस्थान के हमारे मंत्री भंवर सिंह भाटी जी कल जाके आए हैं दिल्ली के अंदर कि किस प्रकार से हमें और फायदा मिल सकता है। मुख्यमंत्री जी स्वयं भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी के पास में पहले जाके आए थे, तो कुल मिला के निष्कर्ष ये निकलता है कि राजस्थान के अंदर बिजली के बारे के अंदर जो किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी आ रही है तो सरकार पूरी तरह तैयार है, पूरी तरह ध्यान दे रही है, उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो इसके बारे के अंदर पूरी तरह से सरकार द्वारा ध्यान रखा जा रहा है। संकट है कोयले का देश में, तो संकट को दूर करने के लिए वो पूरा प्रयास करके हमारी मदद करें। छत्तीसगढ़ सरकार से तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बात कर लेंगे और बात करके रास्ता भी निकाल लेंगे, लेकिन ये तय बात है ये जो कोयले का संकट है पूरे भारत पर है, पूरे देश में है, ये राजस्थान का अकेले का संकट नहीं। इस संकट के लिए भी मैं इतना कह सकता हूँ, राजस्थान में बिजली का संकट यदि कोयले के कारण आएगा उसमें सरकार कोई कमी नहीं रखेगी, संकट नहीं आने देगी। सिक्योरिटी राशि को लेकर एक बड़ा मुद्दा है, हाँ उपभोक्ताओं के पास सिक्योरिटी, ये जो सिक्योरिटी राशि के बिल भेजे गए हैं मैं इससे बहुत नाराज हूँ, सख्त नाराज हूँ। मैं इस मामले में मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा, और ये जो प्रतिभूति राशि के नाम पर बार बार पैसे लगाकर भेज देते हैं तो ये बिजली कंपनियों को तय करना पड़ेगा, ये क्या तरीका हुआ आप अचानक पैसे लगाकर भेज देते हैं। इस मामले मुख्यमंत्री जी से बात करके और इस समस्या का समाधान